बिल्कुल। और देखिए अवनीश, जाहिर सी बात है कुछ प्रोटोकॉल सेट किए गए होंगे जिसकी वजह से वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए भी रही होगी अवनीश। देखिए चुनौती निश्चित रूप से, इसके पहले जब मुलायम सिंह यादव सरकार हुआ करती थी, में जब कोर्ट पेश होने आया था उस वक्त उसके ऊपर हमला किया गया था। हमला हालांकि किसी उसके विरोधी ने नहीं किया था, वो हमला उसने खुद प्री प्लान करके करा था, सरकार की मंशा पे उंगली उठाई थी और मुलायम सिंह यादव पर भी आरोप लगाया था। लेकिन ये पहली, इसलिए यहाँ पर इतनी अलर्टनेस बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई, पैरामिलिट्री फोर्सेज बढ़ा दी गई है, पीएसी लगा दी गई है कि कोई भी अवांछित तत्व इस भीड़ में घुस करके इस तरह कोई भी हरकत करने की कोशिश करे तो तत्काल हिरासत में ले लिया जाए और इस तरह घटना हो जाए उसमें टाला जा सके। बिल्कुल। और देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अवनीश, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अवनीश देखिए 12:03 हो गया है। देखिए 12:30 इस पूरे मामले फैसला सुनाने का समय मुकर्रर किया गया था और विधान न्यायाधीश जो है न्यायाधीश है डीजी शुक्ला उस पूरे मामले पर आज अपना फैसला सुनाएंगे जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। और आज ये पुलिस खाली आ गई जब अति कैबत के आपराधिक जो साम्राज्य है उस पर कील ठोकने का काम करेगा ये फैसला। उसके बाद जो उसके भाई अशरफ हैं, उसके गिरोह के और लोग, गैंग के और लोग जो गुर्गे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से आज फैसला आएगा अवनीश, उसके बाद ये भी माना जा रहा है सजा जो भी होगी उसके लिए, उसके बाद वो आगे की कोर्ट की भी रुक कर सकता है, उसके जो वकील है अपील आगे भी हो सकती है अवनीश। देखिए इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई भी सुनवाई नहीं होगी, इसके लिए उसको तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि एक अपराधी चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या नेता हो, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होती है, उसको सिर्फ जेल भेजा जाएगा, इस मामले में कोई भी सुनवाई अगर होती है अग्रिम कोई भी मामले माननीय हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। स्वाति बिल्कुल। और देखिए लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है और किसी भी वक्त ये काफिला पहुंच सकता है एमपीएमएलए कोर्ट से, लगातार हमारे सहयोगी अवनीश जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं, 17 साल पुराना लंबा मामला और आज कोर्ट आरोपों को सुनिश्चित करेगी, आज सजा का ऐलान होगा। एक तरफ अतीक कोर्ट के लिए रवाना हो चुका है और हमारे सहयोगी अवनीश जैसा कि बता रहे हैं लगातार किसी भी वक्त वो पहुंच सकता है। और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एमपीएमएलए कोर्ट से लाइव, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता घेरे में दिख रही है, चाक चौबंद है और जो हलचले हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो गतिविधियां हैं एक्टिविटीज़ हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है तमाम चीज़ों को पुख्ता तरीके से रख पाना। ये दो तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें बाहुबली अतीक अहमद के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, मुश्किलें एक तरफ लगातार बढ़ती जा रही है उसके लिए, एक तरफ पूरे परिवार पर शिकंजा और दूसरी तरफ आज सजा का ऐलान होगा। प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट उमेश पाल अपहरण मामले में आज सजा का ऐलान करेगी और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अवनीश जुड़े हुए हैं। अवनीश 2006 से लगातार ये मामला जिस तरीके से शुरू हुआ, जी 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 बताइए। जी अवनीश जी 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 देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, अतीक अहमद के साम्राज्य में कीला ठोकने का काम करेगा ये फैसला। और यही वजह है इस फैसले को सुनने के लिए, जानने के लिए पूरे प्रदेश के नहीं देश के सारे अधिवक्ता यहाँ मौजूद है, खासकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता हों, काफ़ी बड़ा हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। देखिए पुलिस ने भी अब घेरा बनाना शुरू कर दिया, इस घेरे के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं जा रही, इस पूरे गेट को तब तक बंद करके पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेज के हवाले कर दिया गया। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज आरएफ की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। बिल्कुल। कल भी अवनीश जो तस्वीरें सामने निकल कर सामने आई थी उसमें दिख रहा था अतीक अहमद, पहले जो तस्वीरें निकल कर सामने आती थी जब भी उसकी वो पेशी होती थी, जो उसका हाव भाव होता था, भाव भंगिमाएं होती थी, एकदम अलग रहती थी, वो डरता नहीं था कानून से, क्या अब कानून का डर, मरने का डर, एनकाउंटर का डर उसको सता रहा है? देख कानून का डर तो उसी दिन उसके अंदर बैठ गया जितने से उसको फैसला सुनाने की घड़ी का समय मालूम पड़ गया। 28 मार्च को उसके मामले में सुनवाई होगी, इसको उसमें मालूम हो चुका था कि 28 मार्च उसके आपराधिक साम्राज्य में कीला ठोकने की तारीख होगी, उसके बाद से उसको समझ
उसका जो साम्राज्य जो 40 वर्षों में आपराधिक दुनिया में कायम किया था, राजनीतिक दुनिया में कायम किया था, वो आज उसमें किला ठोकने का काम करेगा, उवैस पाल अपहरण कांड। और आज वो समय आ भी गया जब कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले पे विद्वान न्यायाधीश जो DC शुक्ला है वो पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएंगे और अतीक उनके परिवार को सजा सुनाएंगे। बिल्कुल, तो दिखा रहे हैं लगातार ये जो गतिविधियां हैं लगातार वो बढ़ती जा रही हैं। अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण केस के लिए प्रयागराज की MP MLA कोर्ट लाया जा रहा है और किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकता है। पेशी होनी है, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं इस पर अपनी TV स्क्रीन पर। उमेश पाल हत्याकांड में कुल गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और इस मामले में पुलिस ने घेरा बना। जी, अब मीडिया को पूरे जो परिजन वो कुछ बाद न्यायालय परिसर में आने वाली, उसको देखते हैं पूरी तैयारियां कर ली गई और बकर पूरी तैयारियों को हमने जमा भी पहना दिया गया। बकर का पूरे जो रास्ता बनाया खोला पूरे मीडिया को मंदिर पर जी सर जो वकील है उस केस से नहीं इस केस नहीं साथी जी अवनीश। बिल्कुल, और किसी भी वक्त पहुंच अवनीश आपकी आवाज बीच बीच में स्पष्ट नहीं आ पा रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है, आप अपनी बात बताइए, रिपीट कीजिए। चलिए तो ठीक है, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था और आज इस मामले में 17 साल बाद प्रयागराज की MP MLA कोर्ट से इस मामले पर फैसला आना है और किसी भी वक्त दोनों आरोपियों को कोर्ट में हाजिर किया जा सकता है क्योंकि लगातार प्रिजन वैन के जरिए इनको लाया जा रहा है और यहां पर आज इन पर फैसला आना है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अतीक अहमद को फांसी की सजा सुनाई जाती है या फिर उम्र कैद। और पूरी रात जिस तरीके से जो सामने खबरें आई बेचैनी के साथ अतीक अहमद ने गुजारी है, अतीक के साथ अशरफ पर भी आज सजा का ऐलान होना है। लगातार इस मामले से जुड़ी हुई अपडेट आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इस मुकदमे की पैरवी से लौटते समय 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और उस मामले में दो सरकारी गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप को भी गोली मार दी गई थी, इन दोनों की भी मौत हो गई थी। और 11 मार्च को अदालत ने अपना पूरा फैसला रिजर्व रख लिया, सुरक्षित रख लिया। कोर्ट के फैसले से अतीक अहमद को साबरमती जेल और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को भी परेली जेल से प्रयागराज लाया गया और अब यहां से इन्हें सीधे MP MLA कोर्ट लाया जा रहा है जहां पर आज इन पर सजा का ऐलान होना है। सुरक्षा भी आप देख रहे हैं बहुत पुख्ता बहुत मजबूत इस वक्त दिख रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस पर तैनात किया गया है। 17 साल लंबा मामला और आज अब से कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान हो जाएगा अतीक और उसके भाई अशरफ पर।